बांडा उपखंड मुख्यालय पर भारतीय किसान संघ राजस्थान प्रदेश के किसानों ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम विभिन्न मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। बिजली बिलों में दिए जाने वाले 833 रुपए प्रति माह विद्युत अनुदान पुनः शुरू किया जाए। आगामी 6 माह के किसानों के कृषि और घरेलू विद्युत बिल माफ किए जाएं। कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु फ्लैट रेट व मीटर सैनिक को स्वैच्छिक किया जाए। सिंगल फीज कृषि कनेक्शन जारी किए जाएं। टिड्डी नियंत्रण केमिकल और डीजल किसानों को निःशुल्क और सुलभ उपलब्ध करवाया जाए और टिड्डियों से फसल खराब का मुआवजा देना सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2018 व 2019 की बीमा राशि अभी तक किसानों को प्राप्त नहीं हुई है। किसानों को बीमा राशि जल्द ही दी जाए। किसानों पर लगाया कल्याण कोष टैक्स तुरंत हटाया जाए। किसानों को बाजार की दर से 4 गुने के हिसाब से मुआवजा दिया जाना सुनिश्चित करें। इस तरह विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। खबर भारतवर्ष के लिए जालौर से प्रवीण बामड़िया की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।